चलिए दोस्तों, पार्ट टू में आपका स्वागत है। ये पेंटिंग हमने कल बनाई थी, इसके आगे का पोर्शन हम आज कवर करेंगे। यहाँ पे मैंने क्रिम्जन रेड कलर निकाला हुआ है, थोड़ा सा वाइट और थोड़ा सा पिंक, तीन कलर्स के साथ हम लोग जो हम लोगों ने रोज़ सीखा था वो इस 5 नंबर के फ्लैट ब्रश से यहाँ पे बनाएंगे। तो यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं। देखो, पेंसिल से भी कर सकते हो, नहीं तो ये मैं एक ट्रिक बताती हूँ, किसी भी एक ढक्कन के ऊपर थोड़ा सा कलर अप्लाई करके उसके साथ आप यहाँ पे ऐसे मार्किंग के सर्कल्स निकाल लीजिए। देखिए, मुझे यहाँ पे दो दो फ्लावर बनाने हैं, तो मैंने यहाँ पे मार्किंग कर ली है। तो आपको जहाँ पे बनाने हैं, जैसे बनाने हैं, उस हिसाब से आप अपना मार्किंग कर लीजिए। तो जो हम लोगों ने सी शेल स्ट्रोक सीखा था, जिसके साथ हम लोगों ने बड़ा सा रोज़ फ्लावर बनाना सीखा था, सेम वो फ्लावर हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। तो देखिए, मैंने ब्रश को कलर में लोड किया है, वाइट, रेड और पिंक, ये तीन कलर्स मैंने इसमें लिए हैं। तो इन तीन कलर के साथ मैं सी शेल स्ट्रोक अप्लाई करते हुए इसका बाहर का जो पोर्शन है रोज़ फ्लावर का, वो कंप्लीट करूँगी पूरे सर्कल में। थोड़ा सा बीच में हम येलो भी अप्लाई करेंगे, जो बीच वाला जो कली का पोर्शन होता है उसमें थोड़ा सा येलो ऐड करेंगे। बीच में जो जगह बाकी है वहाँ पे हम लोग रेड कलर फिल कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा येलो निकालेंगे और येलो के साथ वाइट के ऊपर ही, जहाँ पे हम लोगों ने वाइट कलर लिया हुआ है ब्रश के एक पोर्शन में, वहीं पे आपको येलो कलर लेना है। वाइट को धोना नहीं है, सेम ब्रश को येलो कलर में डीप करके आपको नेक्स्ट जो इसका लेवल है, प्रोसीजर है, वो आपको करना है। अंदर की तरफ आपको सी शेल स्ट्रोक लगाते हुए तीन पेटल निकालने हैं, और फिर जो बीच वाला पोर्शन मैंने सिखाया है, सेम उसी तरह से हम इस रोज़ को बीच में फिल करके कंप्लीट करेंगे। हेलो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, पहली बार ये वीडियो आपके सामने आई है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और ऑल पे भी क्लिक कीजिए, ताकि ऐसे अच्छे वाले कंटेंट आपको सीखने को मिले। ब्रश को मैंने वॉश किया है और फिर से एक बार दूसरे फ्रेश कलर लेके मैं सेम प्रोसीजर अप्लाई कर रही हूँ, और सेम मैं दूसरा फ्लावर यहाँ पर बना लूँगी। हम लोगों ने पार्ट वन में इस गर्ल को, इसके बैकग्राउंड को एक्रेलिक पेंटिंग के साथ कलर करना सीखा है। तो अगर चैनल से आप जुड़े हो तो आपको जानकारी हो गई होगी अब तक कि बहुत सारे अच्छे अच्छे कंटेंट चैनल पे सिखाए हुए हैं, वारली पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग, वन स्ट्रोक पेंटिंग, ऐसे बहुत सारे। क्ले वर्क भी हम लोग करेंगे, क्ले वर्क के भी बेसिक वीडियोस मैंने डाल रखे हैं। तो अगर क्ले वर्क भी करना आप पसंद करते हो, मंडला करना पसंद करते हो, तो सब आर्ट वर्क हम लोग सीखेंगे इस चैनल के ऊपर। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा, ताकि आने वाले नए नए वीडियोस आपको दिख सके। ठीक है, देखिए, दो रोज़ फ्लावर हम लोगों ने यहाँ पर बनाए हैं। अब मैं लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन की हेल्प से इसके लीफ ऐड करूंगी। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अपने आर्टिस्ट दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। जिन लोगों को आर्टवर्क करना पसंद है और बिल्कुल बिगनर है, तो उनको ये वीडियोस हेल्पफुल हो सकती है, तो उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और नए नए आर्टवर्क बनाना सीखिएगा। तो चलिए, मेरे साथ पेंटिंग करना शुरू कीजिए। देखो, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो आप, और आपको समझ में नहीं आ रहा है ये वर्क कैसे कर रहे हो, तो चैनल को विज़िट ज़रूर कीजिएगा एक बार, क्योंकि चैनल पे मैंने ये जो वन स्ट्रोक पेंटिंग है, जो स्ट्रोक पेंटिंग है, इसके डिटेल वीडियोस डाल रखे हैं, शुरू से कौन से ब्रश लेते हैं, कौन से कलर्स लेते हैं, ब्रश को कैसे वॉश करते हैं, लीफ कैसे बनाते हैं, फूल कैसे बनाते हैं, सब स्ट्रोक्स डिटेल में मैंने डाल रखे हैं। तो चैनल को विज़िट करके आप उन स्ट्रोक्स को सीख लीजिए, ताकि आपको ऐसे नए नए आर्टवर्क बनाने ईजिली आ जाएंगे।
ठीक है। चलिए अब हम इसको लीफ के साथ कवर करते हुए कंप्लीट करेंगे। सेम ब्रश है दोस्तों, चीज़ल के ऊपर आपको प्रेशर कम देना है। कम प्रेशर देने से हमारा जो स्ट्रोक है वो पतला आता है, और आपको जहाँ पे थोड़ा थिक स्ट्रोक दिखाना होता है उस एरिया पे आपको ब्रश के ऊपर प्रेशर अप्लाई करना है। देखिए ब्यूटीफुल पेंटिंग दिखने लगी है। आपको भी पसंद आई है तो कमेंट में ज़रूर मुझे बताना। अगर आप भी अपना आर्टवर्क मेरे साथ शेयर करना चाहते हो तो मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे मैसेज कीजिएगा ताकि मैं मेरा आपको व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम अकाउंट दे सकूं, तो आप वहाँ पे मुझे अपने आर्टवर्क सेंड कीजिएगा। अगर मेरे चैनल से आप सीखते हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। देखिए यहाँ पे मैंने छोटी सी खिलती हुई कली निकाली है। ये भी कली हम लोगों ने सीखी हुई है। सेम हम यहाँ पे दो फ्लावर बनाएंगे। बीच वाले पोर्शन को कलर से कंप्लीट करेंगे। जैसे मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया है आपको कि लेयरिंग में काम करना पड़ता है, तो जो जब हम लोग स्ट्रोक पेंटिंग करते हैं तो उस वक्त ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब हम एक्रेलिक पेंटिंग करते हैं वो टाइम पे हमें लेयर करने की ज़रूरत पड़ती है। वो भी डिपेंड करता है कलर के ऊपर। अगर आपके कलर बहुत अच्छे हैं, थिक है, पिगमेंट उनका अगर थिक है तो आपको वहाँ पर भी ज़्यादा लेयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। खाली कौन सी जगह पे कौन सा ब्रश यूज़ करना है, कैसे ब्रश को इस्तेमाल करके पेंटिंग को बहुत अच्छा बनाना है, ये सब चीज़ें होती है जो हम लोग इस आर्टवर्क में सीखते हैं। शेडिंग इफ़ेक्ट सीखते हैं, मर्जिंग सीखते हैं, लाइटिंग इफ़ेक्ट सीखते हैं, तो ये सब चीज़ें सीख के हम लोग एक्रेलिक पेंटिंग बनाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी, तो इसलिए चैनल के साथ ज़रूर जुड़ के रहिएगा। सेम ब्रश को मैंने दोस्तों खाली कपड़े के ऊपर क्लीन किया है। मैंने इस ब्रश को वॉश नहीं किया है ताकि जो लीफ है उन लीफ में थोड़ा सा पिंकिश इफ़ेक्ट आए। जो शुरू शुरू में नए जो लीफ आते हैं वहाँ वो टाइम पे कैसे थोड़े से पिंक दिखते हैं या तो फिर रेडिश थोड़े से रहते हैं, तो उस टाइप का इफ़ेक्ट पन्नों में अगर हमें चाहिए तो ये कलर को हमें वॉश नहीं करना है। ब्रश के ऊपर से हटाना नहीं है पूरी तरह से। थोड़ा सा इसे क्लीन करेंगे हम लोग कपड़े के ऊपर, और बाद में हम लोग लाइट और डार्क ग्रीन के साथ इसको मर्ज करते हुए ये कलर इफ़ेक्ट लाएंगे। देखिए बीच बीच में मैंने जहाँ पे अभी ये लीफ ऐड करे हैं तो उन लीफ में आपको वो शेड दिखाई दे होगी।
ब्रश को अच्छे से वॉश करेंगे। देखो ऐसे ही वॉश करना है, उस ब्रश को एक साइड से वॉश करना है आपको। बीच वाला जो हमारा चीजल का एरिया है उसको कंटेनर में ज़ोर ज़ोर से नीचे की तरफ आपको घिसना नहीं है, नहीं तो उसका चीजल ख़राब हो जाता है। जहाँ पे हमें लग रहा है हम लोग लीफ ऐड करते जा रहे हैं, इस तरह से हमारी पेंटिंग बहुत खूबसूरत बनती जा रही है। आपको पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। आपके सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से मोटिवेशन मिलती है ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। देखिए कितनी खूबसूरत निकल के आई है। अब इसका जो सेंटर पोर्शन है वहाँ पे हम लोग छोटे छोटे वाइट कलर के डॉट ऐड करेंगे। थोड़ा सा आपको नज़दीक से दिखाती हूँ, देखिए ठीक है। ये है इसका फाइनल लुक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।